भाई एक टायर तो डूब ही रहा है, की साइड तो गड्ढा है ना, इधर की साइड तो लेगा ऐसे करके। तो गाइज अभी तक मेरा डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या करना है। रात के 11:30 बज रहे, तो मैं टाइम एक बार दिखा देता हूँ। अभी तक मेरा फाइनल नहीं हुआ है कि भाई जाना या नहीं जाना। ठीक है, 11:10 हो रहे हैं, तो मम्मी एक बार वो कर लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, अगर जिस पर अगर मान लो मेरे पास 100 आया तो जा रहा हूँ, नहीं तो ना जा रहा। ठीक है, करना शुरू, किसी तक कर दो। उल्टा कर दिया आपने, मम्मी ने जानबूझ के सामने ऊपर लाया। अरे नहीं यार, मेरा फाइनल हो चुका है, मैं और पटियाला निकल रहे हैं हिमाचल के लिए। एलवी जोर वहां पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, तो हम उन्हें पास जा रहे हैं। अभी तक उन्हें पता नहीं है, उनके बहुत सारे फोन आ चुके, मैं उठा भी ना रहा। मैंने कहा यार क्या कहूँ, क्योंकि मेरा फाइनल से ना हो रहा था कि जाऊं ना जाऊं। फिर मम्मी ने परमिशन दे दी फाइनली कि तू जा। मम्मी परमिशन क्या दे दी, मम्मी खुद मम्मी मैं आया, मैंने कहा मम्मी मैं जा रहा हूँ, मेरा सामान पैक कर दो। तो ये ना बैग यहाँ रखा हुआ था नीचे ऑलरेडी, तो मैंने मम्मी से पूछी, मैंने कहा यार मम्मी आज तो कमाल कर दिया, आपने पहले सामान पैक कर दिया। मम्मी कह रही मैं शिमला जा रही हूँ कल। मम्मी का अपने मम्मी सहेली के साथ, हमारी आंटी संतोष आंटी जिनके साथ जाया करें मम्मी अक्सर घूमने, उनके साथ ही कल शिमला निकल रही है। मैं निकल रहा हूँ कसोल, तो ज्यादा दूर ना है मम्मी, होते हो सकता है मैं वहां जाकर मम्मी से मिलने चला जाऊं। अभी हम निकल रहे हैं BMW में, मैं और पटियाला है, पक्की बात है, तो देखेंगे मतलब वहां पे जाकर मम्मी से मिलने जा सकते हैं हम लोग। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप आप सब लोग अपने घर में मजे कर रहे होंगे। शाम को मैं नहा लिया था, इसलिए नहाने की जरूरत तो है ना, कपड़े भी टी शर्ट तो ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके और निकलता हूँ सीधा ऑफिस से पटियाला को उठाने के लिए। तो भाई सुना दे, तू सुना दे पहले, क्या हाल है, तू ना सुना दे, क्या सुना दे बता, तू भी चला यार। गाइस यो जा रहा है कहाँ, कहाँ जा रहा है, कसोल कसोल, मम्मी जा रही है शिमला, हम जा रहे हैं बादशाहपुर। मम्मी का यो देखो, एक बैग तैयार रखा है, ठीक है, दूसरा ये सब अभी कपड़े मम्मी ने रख रखे हैं, और ये कपड़े हैं, ये बस ये 2-3-4 कपड़े, मतलब ये मेरे और पटियाला के दोनों के, क्योंकि पटियाला अभी ऑफिस पे है, उसने घर पे जाने का भी तो टाइम नहीं, घर जाना है, वो कपड़े ठग रहा है। वैसे भी रात ज्यादा हो गई, रात के 12 बज रहे हैं, घर के भी रुकेंगे, भाई तुम निकल ही जाओ, एक काम करो परमानेंट ही निकल जाओ। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं, तो मैंने एक दो टी शर्ट रख लिया, एक दो जींस उसकी वहीं ऑफिस पे रखी होंगी, तो बस अब सीधा पटियाला को उठाना और निकलना है। इस गरीब का क्या होगा, कौन खाना देगा, ये होया हमने कश्मीर में, जा अरे ले जाओ, मम्मी गरीब है बेचारा, ले जाओ। तो ज्यादा गरीब गरीब करेगा तो मन्ना कैंसिल करनी पड़ेगी ना हो आप। अरे यार हम एक और भी तो है, सपन में डाल दो, दो में डाल दो, गाड़ी में तो रखने साथ बनाए रखिए। मेरी गल बिल्कुल ना मना उसकी, भाई मैंने खुद इस बात का डर रहा है कि जब BMW जा रहा हूँ, मैंने कहा यार शिट कुछ होना जावे, पर भगवान की दुआ से कुछ होना ना चाहिए। चलो मम्मी जी मैं निकलता हूँ। तो जितने भी चोर भाई मेरी बात ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें एक चीज बता दूं गाइस, हमारे घर में तो बिल्कुल मत आना, हमारे घर में कैश नहीं है। सुबह मम्मी जा रही है घूमने के लिए, मम्मी पे 2,000 रुपया, मैं जा रहा हूँ अभी, मेरे पे 1,000 रुपये कैश है, अभी चीकू दे रहा हूँ। तो मम्मी कितने मिले आपने, 5,000 है आप पे। मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरे तो घर 2,000 है, मम्मी 5,000 है, मेरे पे 1,000 है, तो हमारे घर में आने का कोई फायदा ना, पैसा खत्म हो चुका है, कोई और अड़ोसी पड़ोसी पकड़ लेना, हमारा घर छोड़ देना। भाई बता दो ना यार, किसी तरह कोई मेहनत करे, कभी भी मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए किसी की। तो ले जाऊं क्या, ओके मॉम बाय, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, बाल बिगाड़ दो, थैंक्स। तो आशीर्वाद दो ऊपर तो बाल बिगाड़ दो। चलो मैंने एक बार अपना पर्स चेक करना पड़ेगा, बैग में है कि नहीं, ठीक है मॉम बाय। एक तो लेग्स कर रखे, दर्द हो रही है। हाँ हाँ नो वरी, हमारे पर्सनल ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी है। ओके मॉम बाय, आप दिख ना रहे वैसे इसमें, चले ना भाई है? चलो ओके बाय। हाँ तो गाइस मैं तुम्हें एक चीज दिखा देता हूँ। इसके अंदर अभी मीटर में आप देख सकते हैं कोई भी लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, वो लाइट चस रही है उसकी लाइट आ रही है, और कोई लाइट नहीं है, कहीं तोड़ फोड़ कुछ नहीं है। मतलब ये डर रहा है मेरे से कुल मिला के कि मैं इसमें कुछ कर दूंगा, मैं कुछ ना करूँ, अब की बार बिल्कुल सेफ जाएगी गाड़ी, बिल्कुल सेफ आएगी, दुआओं में याद रखना बस। टायर देख ले, टायर भी सही है, सब कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई, कुछ ओके भाई, मान ओके ओके मॉम ओके। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ये गाना चल रहा था लेकिन मैं यहाँ नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा तो मैं खुद ही गा के सुना दूं। तो गाइस बहुत टाइम से मैं वेट था संदीप और पंडा को, दोनों को थोड़ा सा उसके लिए उनके अगर अभी पता भी ना हमने बताया ना, लेकिन उनका प्लान ही क्योंकि ट्यूजडे का है, तब तक हम वापस आ जाएंगे, और दोबारा हमारा प्लान है त्रिउंड निकलने का, तो हो सकता है आपको बैक टू बैक आपको मैं पूरा पहाड़ घुमा दूं इस बार, कसोल शिमला पिमला मतलब कई जगह घुमा, देखते हैं जहां का प्लान बनेगा, अभी देखते रहना आगे आगे वीडियो में आपको सब कुछ दिखता रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। सबसे पहले इसमें डलवाना है
पेट्रोल इसकी टंकी फुल करवानी है, ये 6-7 हजार का पी जाएगी एकदम में ही, क्योंकि पेट्रोल भी महंगा हो रहा है और ऊपर से टंकी थोड़ी सी बड़ी है स्विफ्ट वगैरह से। उसके बाद आज पूरी रात हम ड्राइव करेंगे और देखते कितने बजे पहुंचते हैं। 12:30 बजे से हम निकले हैं तो देखते हैं जब तक भी पहुंचेंगे पहुंचेंगे। आओ प्रधान आओ, और तो घूमने के हिसाब से पानी वानी बोतल लेके झोला लेकर आने पड़ रहे हैं, मैं खुद ऐसे ही लाया हूँ देख। बहुत गाली भकेंगे पंडा भाई, देख तेरी वजह तो हुआ है, पर हम तेरे साथ भी ऐसी दिक्कत रहा, तू फ्री होते ही तो सीधे निकलेंगे त्रियुंड। अब त्रियुंड तो जा ही ना रहे, मैंने हिसाब लगाया क्योंकि हमारा प्लान बन रहा था त्रियुंड जाने का, ठीक है, मैक्लोडगंज वाली साइड, तो त्रियुंड मैक्लोडगंज धर्मशाला, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, धर्मशाला मैक्लोडगंज त्रियुंड ऐसा जाने का प्लान था। हाँ वही है। अब हम जा रहे हैं कसोल वाली साइड, तो दोनों अलग अलग हो गए, कोई दिक्कत ही ना, रूट अलग है, वहां तो आएंगे फिर सीधे त्रियुंड निकल जाएंगे, क्या दिक्कत ना भाई हमारा, क्या दीनीमान थोड़ी है, दीनीमान वाली बात कर रहा, इसका सारी चीज चेक करवा ली ना, किसकी गाड़ी की, इसमें सब बैठते ही पहले नहीं पूछे, मैं भी नहीं पूछा, ठीक होते देख ले सब ठीक ओके की रिपोर्ट है ना। अरे यार ये गाय की रोटी रखे उस दिन का देना, बता पूरी रात गाड़ी कौन चलाएगा, मैं चलाऊंगा अभी पहाड़ी, तू चला ना, मैं चलाऊंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितनी दूर 12 घंटे का रास्ता लगा मेरे ख्याल में है ना, आ जा समझदार है 12 घंटे कोई दिक्कत ना, आप पहुंचे तम आंख बंद करो ले पहुंच गए, गलत बात ओ, तो बढ़िया लग रहा बिल्कुल बढ़िया, छोड़ तू मैं भी लाऊं तो लेकर 2-3 डेली डेली टी शर्ट लेकर आया, अरे वो मैं तो पहन लूंगा कोई ना, मेरे को तो सेट तेरे कपड़ा सेट आवा मेरे को, किंग है तो लूं भाई, नू बता दे यहां तो यू टर्न ले रहा भाई, ये देख रहे हो तुम, ये आगे गाड़ी खड़ी है, ये पुलिस वाले ने खड़ी है ठीक है, और ये पीछे किसी ने ठोक दी होगी, जाने भिड़ गई होगी, इसके लात लात मार रहे, 100 टावर निकाल रहा है पुलिस वाले भी भाई, खतरी थे अभी हम देख रहे हैं, लात दी उसके गाड़ी बैठे बैठे के लात दी, मैंने सोची पता ना पुलिस वाले लात क्यों मार रहे, फिर बाद में पता चला कि मैंने लगा ये बरस लगा रखा कोई होगा चोर चार सा, रेड लाइट हो रखी है और इनकी इज्जत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले चेक करा हमारे 16,000 रुपए के चलान आए पड़े हैं घर पे, वो भरने हैं अभी, मोटा मोटा हिसाब किताब आ रहा, हाँ तो वो बिल भरना है अभी उसका भी, हमने आधी दिल्ली ना ऑलमोस्ट चार्जर लेना पड़ेगा यार, चार्जर लेना पड़ेगा हमारे, 2-4 हजार दोनों काम नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों क्या दिक्कत आई, गाड़ी में आती खराब हो गया अपना अभी, हमने ऑलमोस्ट हमने पूरी दिल्ली क्रॉस कर ली, बस थोड़ा सा 10 मिनट का सफर रह रहा है, और अब भी मैप में कितने घंटे दिखा रहा भाई, 12 घंटे 18 मिनट दिखा, 12 घंटे 18 मिनट का सफर अभी और दिखा रहा है, मैंने पता ना था कि कसोल इतना दूर है, मेरे को सच बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा था कि 8-10 घंटे मैप में दिखाएगा, और 8-10 को मैं 7-8 में कवर कर दूंगा, 6-7 घंटे में, क्योंकि तेज चले है ना थोड़ी सी, तो मैंने कवर कर दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा बैठगा, मेरे को बासी अभी तो आ रही है, देखते क्या रास्ते में नींद ना आ जा गई है, जैसे भी होगा चलो देखते हैं, अगर नींद आएगी तो 1 घंटे का नैप लेके, नैप तो क्या हुआ, वो तो पूरी नींद होगी, 1 घंटे सो गया, अपने पैर लिख देंगे आगे। तो गाइज एक छोटा सा पंगा हो गया, जो ये अपना कुंडली वाला जो रोड होता है ये वाला कर रखा था बंद इन्होंने, वहां से हमें मोड़नी पड़ गया, अभी हम पता नहीं कोई गांव से हमें घुस गए हैं, घुस तो गए हैं, एक बार हम पहले जब चंडीगढ़ गए थे तब भी हम इधर से ही गए थे, मेरे को थोड़ा बहुत जितना याद आ रहा है, अब ये नेट आतना गए थे यार, पीछे तो गए थे हम चंडीगढ़, वहां तो आगे थे भी, ये थोड़ा सा गाँव का सा रास्ता और बहुत ज्यादा टूटा फूटा सा रोड है, अगर ये वही वाला है तो अभी दिखा ना, मैप चल रहा ना, मैप भी ना चल रहा, मैप में ये वाला रास्ता दिखा भी ना रहा, मोड़ लेना मेरे हिसाब से, यू टर्न ही लेना पड़ेगा अगर ट्रक आ रहा है, यो थोड़ी सी रात ना ये ज्यादा भसड़ हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर जाने में थोड़ा सा डर सा लगा, एक तो क्योंकि सेफ नहीं होता रात ने, पता ना कहाँ चोर लुटेरे खड़े रहे हैं, ऊपर तो फिर थोड़ी सी दिक्कत वैसे, एक्सेप्ट कर दो ना सर, हाँ करियो, मतलब बहुत टूटा रोड है बहुत ज्यादा यहाँ का, और ये BMW तुम्हें पता ही है नीची गाड़ी है, ये कहीं खड़ी होगी तो हो ही जाएगी, यो ना फिर हिल भी रही, हर ट्रिप पे ये ऐसे सस्पेंस क्यों बनता हमारे साथ, मतलब इतनी क्या हमने ऐसे पाप कर रखे, जो मास्टर दिखा रहा है कितने दिखा रहा है, दिखा रहा 15, अरे जो वही वाला दिखा रहा है जिसमें तो वापस आए भाई मोड़ के, तो ये कोई रास्ता कटता है, मतलब जो मेन हाईवे वहाँ से हम लेफ्ट हो गए थे, रोहतक हाईवे जो KMP वाला उस पे से लेफ्ट हो गए थे, अभी तक अच्छा खुला रोड है, बहुत ही खुला रोड है, मतलब अगर इतना खुला मिल जाए तो एक्सप्रेस वे मजा आ जाए, पूरा ऐसे ही रहेगा, अगर पूरा ऐसा ही रहा तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, फिर तो बढ़िया ही चीज हुई है, जो भी हुई है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन अगर आगे जाके गांवों में कहीं घुसा दिया और ये गूगल मैप ने काम करना बंद कर दिया तो थोड़ी सी हालत टाइट होगी, होटल में चाय वाय पियेंगे, एक हमें चार्जिंग का कुछ ढूंढना है, अगर वहाँ कोई दुकान वकान है वैसे वो तो वहाँ पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह वहीं देखेंगे अपने क्या नाम, बिना फोन के चलेंगे अपना, बिना मैप, बिना फोन बिना मैप, जवान तो चलेंगे फिर तो, हाँ पूछ पूछ कर जब पहले जाया करते, जैसे यार पहले का टाइम भी कितना खतरनाक होता होगा, नहीं वो तो बुग्गी उग्गी भाई पहुंच जाए, और पता है 100 मीटर बाद राइट लेना भाई, जैसे नानार भी बताया करते हैं, मम्मी भी बताया, तो ऐसा होया करता कि सूरज देख के, मतलब सूरज चांद देख के, तारे वारे देख के दिशा बता देते कि भाई इधर जाना उधर जाना है, वो पैर वैर रह रहे थे इनके, कुछ ऐसा रह करता सिस्टम पता ना, बहुत ही खतरनाक काम था, पर ये अब सुने तो सुन के भी अजीब लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस टाइम एम्बुलेंस के ये देखो भाई
खतरनाक सा रास्ता है यार। देखो एम्बुलेंस खड़ी है, उसके बाद एक बीच में गाड़ी खड़ी है, फिर पुलिस वाले खड़े है। एक्सीडेंट हुआ शीशा फूटा पड़ा था सेंटर का, पता ना भाई हमें तो ऐसी ऐसी चीज देखने को मिल रही है। अब वो फिल्मों की याद आ रही है, जैसे पुरानी फिल्मों में, पुरानी क्या नई फिल्मों में भी ऐसे दिखा हुआ है ना कि एम्बुलेंस में वो स्मगलिंग कर रहे थे, कुछ कुछ कर रहे थे, वैसे सीन भी हो सके है ना, वैन वाला है। वैसे ही कुछ चक्कर हो रास्ता, मैं सही कह रहा था कि सारा रास्ता ठीक नहीं है, अभी टूटे हुए रोड शुरू हो चुके हैं, हालत खराब है। अभी दिखाता हूँ तो मैं फोन से शूट कर रहा हूं, इस कैमरे इतना पता चला। ये देखो ये तो ना दिखने में छोटे मोटे गड्ढे लग रहे होंगे, लेकिन बीएमडब्ल्यू के हिसाब से ना ये बहुत खतरनाक चीज है। यहाँ पे ये कई सारे पुलिस वाले बैठे हैं अपने भाई लोग, पटियाले ने तो पूछने गया रास्ता एक बार, क्या रही सीधा जाके भाई। यार यहाँ पानी भरा पड़ा भाई, और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। और भाई ट्रक प्लीज पानी मत उड़ा यार, माँ कसम हमारी तो गाड़ी इतनी नीची है। भाई कैसे कर रहा है, फंस गए भाई आज तो। हम अपनी तरफ से बहुत सेफ्टी तक लेकर जा रहे हैं, पर फिर भी अभी और रात ने पूरा भाई वो टायर का देखो कितना टायर डूबा। अगर इसका इतना टायर डूबगा तो हमारी तो गाड़ी डूब जाएगी। हे भगवान हमारी रक्षा करी, कर ली पानी बच गए। आगे आगे ना, अरे यार पहले तो आ गए, गाड़ी चल रही थी ना तो फिर भी ठीक था, हमें पता चल रहा था कहाँ गड्ढा कहाँ थी। अब थोड़ा सेफ्टी चलना पड़ेगा भाई। ये देखो ये गड्ढा जो दिख रहा है ना, इसमें आदमी कूद के मर भी सकेगा अगर इसमें पानी भर रहा हो तो। ये ऊपर ये हाईवे पे जो गाड़ी जाती है तुमने देखी, यहाँ तो जाना, लेकिन इसके लिए हमें मोड़नी पड़ेगी यहाँ से। अब इस पे से जाके हम सीधा हाईवे पे चढ़ जाएंगे। यार भाई साहब बहुत ज्यादा पानी है यार, ये बहुत ज्यादा पानी है भाई, यहाँ तो नहीं निकल पाएगी भाई हमारी गाड़ी। एक बार ये डंपर देख ले, फिर भी अगर ये डंपर निकल गया तो भी ना निकल सके यार, ये तो डंपर है भाई, इसके पीछे पीछे लगा देते हैं। कितने कितने गीले हो रहे डंपर के, कितने। अरे यार मैं तो डर लग रहा है माँ कसम, ये गाड़ी बंद होएगी कहीं भाई, मैं क्या करूँ यार। अब मैंने कोई और ऑप्शन ना दे, कितनी दूर यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक नू तो है ना, ओहो डूबगा भाई टायर डूबगा उसके घनी। ले लू हाँ यार, ले लू क्या, लेनी तो पड़ेगी अब और मजबूरी के। ओ भगवान 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 हमारे, ओ डूबा डंपर डूबा भाई अभी, भगवान हमारी रक्षा करियो, भगवान 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 प्लीज। ओ भाई वो डूब गया यार, डंपर ही डूब गया भाई, हम तो मर गए भाई, पटियाला मर गए, फंस गए हम। अब मंजिल हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है, हमारे सामने ये नदी है, ये पार करनी है, पर इसे करे कैसे है। देखियो भाई एक बार थोड़ी दूर है, हमें 30 मीटर चलना है, कुल 30 मीटर चलना है, लेकिन ये गड्ढा बहुत खतरनाक है, दो गड्ढे और। अब ये गाड़ी आई है, इसका थोड़ा सा अंदाज देखो परली साइड से भाई, इतना टायर डूब गया यार भाई, अगर इतना टायर डूबेगा तो इतने में तो हो जाएगा। ए भाई इतने टायर में तो पटियाला हमारी तो हालत खराब हो जाएगी हमारी गाड़ी की तो। भाई जो वो ब्रेज आ गई है ना, उसका पता कितना टायर उठगा, मेरे कमर जितना टायर उठा होगा मेरे हिसाब से, पीछे था भाई शूट करना भूलगा वो। अभी ना डूबी भाई, एक टायर तो डूब ही रहा है, इनकी साइड तो गड्ढा है ना, इधर की साइड से लेगा ऐसे करके। लिया 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 आण दे, चल 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 निकाड़ निकाड़ आग ले। तो जो रास्ता बंद कर रखा था वो इसलिए कर रखा था क्योंकि यहाँ अभी तक वो जो किसान आंदोलन चल रहा था वो अभी तक चल रहा है, और यहाँ पे अभी भी लोग बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें उस समुद्र में से गाड़ी निकाल के लानी पड़ी। अब हमने निकाल तो लिया, पिछली बार भी जब मैंने पानी में घुसाई थी तो गाड़ी चल रही थी, लेकिन जब बंद करी थी उसके बाद जब दोबारा स्टार्ट करी थी तो स्टार्ट नहीं हुई थी। मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा अंदर से, सच बताऊं तो कहीं इसके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी ना हो जाए दोबारा से, पर देखते हैं अब जो भी होगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं। अगर मैं बैग भी लेके जाता तो बैग में भी शायद चांसेस थे कि पानी में घुस जाए, तो इसलिए मैंने कहा चलो निकाल देते हैं। अब निकल तो गई, अब बाकी आगे क्या आगे देखेंगे भाई। ये देख लो तुम, ये यहाँ पे घर बना लिए लोगों ने ना, पूरा रोड जाम कर रखा, पूरा रोड ब्लॉक है, पूरा रास्ता है कम से कम कई किलोमीटर तक। पानी में घुसने के बाद मैंने पहला स्टॉप अब यहाँ लिया है, अब ये स्टार्ट करके देखूंगा, होगी तो ठीक है, नहीं तो यही खड़ी करनी पड़ेगी। फुल कर दो है, पेट्रोल 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 ही है ना ये, है ना। हाँ तो मैं क्या सोच रहा था, मेरा अभी दिमाग में एकदम से थोटा है, मैंने इसको भाई को कह तो दिया, मैंने कहा भाई फुल कर दो, मैंने कहा कहीं फुल करवाने के ऊपर वो इनकम टैक्स वाले पकड़ ना लेने, वो तुमने पेट्रोल फुल करवा लिया, टंकी फुल करवा ली, रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं ना, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कर दो भाई शुरू। एक नंबर पे आकर छोड़ दियो भैया, काफी भूख है इसके अंदर। हमने ये चिप्स विप्स ले लिए, चिप्स ले लिए, हींग गोली ले ली, हाजमे वाजमे किसी गोली ले ली, मतलब जो मुंह में डाल लो फिर उसके बाद चलती रहे कई दिन तक। पूरे 5,000 का है, ऑटो कट पे ही छुड़वा दिया मैंने, फुलना भरवाया, भात हमने भर दिया है। भात भरने के बाद हमें याद आया कि हवा भी चेक कर लेते हैं, तो हवा थोड़ी सी थोड़ी कम थी मतलब सारे टायर्स में, लेकिन इनका जो हवा भरने वाला था वो छुट्टी हुआ, मतलब वो रात को बैठते ना आया, तो पटियाला नुगारा ये डिपार्टमेंट मैं संभाल लूंगा। बन रही है बात तो निकाल रहा भाई, भर दे और भर दे, अभी तो कोई दिक्कत ना है भाई। तो वैसे भी बंदी करना है गाना यार, गाना भी ना गाने दे यार ये पटियाला। चलिए अपना पहला स्टॉप आज का जाम खाना वाना खाएंगे। भैया दो चाय कर दो, बढ़िया कड़क सी बनवा देना।
ये पता नहीं मेरे क्या खा गया, क्या हो गया, बहुत मोटा दाना हो गया, अजीब सा लग रहा है ऐसा देख देख के ना बार बार। ऐसे कहीं बाहर तुम जाओ ढाबे पे होटल पे ना तो थोड़ा सा व्लॉग करने में अजीब सा लगा है ना, ऐसा लग रहा है देख रहे हो तो शर्म से आवा थोड़ी। क्योंकि हमारी गाड़ी में कोई चार्जर नहीं था, वो चार्ज कर नहीं रहा, पर जो गाड़ी में होता है तो हमने खरीदा पटियाला ने। अब इसे एक बार गाड़ी में लगा के और देख लेता हूँ कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लग तो गया ये जुगाड़ और काम भी कर रहा है। अपने आगे तक की सेफ्टी के लिए ले लेते हैं क्योंकि हमें व्लॉग वगैरह भी डालने, हो सकता है फोन से ही एडिट करने पड़ जाए, शूट करने पड़ जाए, और हॉटस्पॉट तो चाहिएगा ही चाहिएगा, तो ले लेते हैं इसे। देख रहे हो तुम चलते चलते कैसे रात तक दिन होगा, दिन ते दिन, मतलब थोड़ा सा अब धूप निकल जाएगी अब थोड़ी देर में। वेलकम टू पंजाब। पंजाब पहुंच चुके हैं हम लोग। लोग कहते हैं कि चाय पीने से, कॉफी पीने से उन्हें नींद नहीं आती, मेरे साथ शायद उल्टा सीन है। मैंने चाय पी, जब से चाय पी तब से मैं नींद सी में हूँ और नींद में गाड़ी चल रही है, पर अभी रोक के नाम ने हमने सोचा थोड़ा सा आगे, ये सिंगल रोड है ये वाला ना, तो इसे क्रॉस करके आगे जाके कहीं रोकेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, रोक के हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा व्लॉग को एडिट करके डाल दूंगा यहीं तक का जितना भी बनेगा, देख भी लेना। और हो सकता है दिन में दो व्लॉग आपको देखने को मिले। अब दोबारा से हम थोड़ा सा रूटीन में आ गए ना, उस वाले में फ्लो में आ गए, फॉर्म में आ गए हम। हां क्योंकि अब हम घूम रहे हैं, मतलब बाहर है, तो दो व्लॉग भी आ सकते हो। तैयार रहना, कैडे रहना, मतलब टाइमिंग ये होगी सुबह 10-11 बजे के आसपास और फिर शाम को 5-6 बजे के आसपास। इस टाइम आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, जब भी मेरे को टाइम लगेगा। अगर कभी दिन में एक भी आ पाया तो बुरा मत मानना प्लीज, कोई मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दो डाल दूं, क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ा सा भसड़ रहती है और यहाँ पे नेटवर्क, मतलब कहीं भी चले जाओ नेटवर्क की हर जगह थोड़ी सी दिक्कत रहती है। जैसे भी होगा आपको पता चलता रहेगा, जब हम आवारा हो जाए तो समझ लेना आपके लिए सरप्राइज आने वाले हैं। अभी ना थोड़ी सी नींद भी आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे थोड़ा सा ज्यादा नींद आएगी, एक बार कैमरा ऑन करता हूँ, सारी नींद भाग गई। आप देखिए कैसा ऐसे ऐसे हो गया था, फ्रेश क्या सो के उठे, क्या हाल है और बढ़िया भाई, मेरे बच्चा खा। ये हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट ले रहे हैं यहाँ पे और यहाँ वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। तो गाइस जो व्लॉग है वो आपको देखने को मिल जाएगा 9:30 के आसपास। ये वाला व्लॉग मैं यही खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद जो हम करेंगे आगे वो मुंह धो के थोड़ा सा शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं यहाँ से, अभी हमारा 7 घंटे का सफर और बाकी है। और हमारा आवाज जा रही होगी, ऐसे पता नहीं जा रही होगी नहीं, जो जारी होगी इसमें कनेक्ट करके। बजट लो है हमारा, क्यों अचार भी नाम हमारा। अच्छा हमारे दही भी थोड़ी सी खराब होती है, हमने चेंज करवाया, उसमें मच्छर गिर गया था, हमारे हाथ से गिरा था, पर हमें बताया ना हमने कहा तो ऐसे गिरा हुआ था। आँखें लाल हो रही होंगी, बहुत ज़्यादा लाल हो रही मेरी आँख लाल हो रही होंगी, है ना। तो इस ब्लॉग को मैं यही खत्म कर रहा हूँ, आगे की जर्नी आप अगले ब्लॉग में आपको देखने के मिलेगी, जो शाम को या कल सुबह जैसा भी अपलोड आएगा आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है। आगे की पूरी जर्नी आपको देखने को मिलती रहेगी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों पे, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ आपको स्टोरीज देखने को मिलेंगी और फिर ब्लॉग तो है ही है आपने, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए घंटा दबा लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बाय बाय। Cha-cha-cha, this week.